नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आप सबका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज सीकर्स हब पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबको आदित्य रॉय कपूर की एक्शन पैक्ड अपकमिंग फिल्म ओम द बैटल विद इन के टीजर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और बेहतरीन वीडियोस के साथ आप सबका मनोरंजन कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते रिलीज हुई इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि आदित्य एक पावर पैक एक्शन अवतार में गुंडों से जूझ रहे हैं, भारी मशीन गनों से फायरिंग कर रहे हैं और बिना सुरक्षा गियर के विमानों से हवा में कूद रहे हैं। आदित्य के दर्शक और प्रशंसक पहली बार कभी न देखे गए एक बिल्कुल अलग अवतार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य को शुरू से ही ज्यादातर एक रोमांटिक हीरो के कैरेक्टर में देखा गया है। ओम द बैटल विद इन में दिल बेचारा फेम संजना संघी भी है। अभिनेत्री ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अगले फिल्म का टीजर भी साझा किया। हालांकि इस एक मिनट के टीजर में संजना नहीं है, उन्होंने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया #ओम एक झलक। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए बार बार लड़ी जाती है #ओम द बैटल विद इन। रिपोर्ट्स के अनुसार अन्य अभिनेताओं में विक्की अरोड़ा, आर्मन ब्रेक, अबूदर अल हसन, विक्रम कोचर, सुनीत राजदान, विजय थांगशाम और नीरज प्रदीप पुरोहित शामिल है। गुरुवार 28 अप्रैल को निर्माताओं द्वारा करीब एक मिनट के टीजर का अनावरण किया गया है। टीजर ने एक ब्लैक एक्शन थ्रिलर होने का भरपूर वादा किया है। उनकी भूमिका में फिल्म आदित्य दुश्मनों को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। ट्रेलर बहुत सारे एक्शन से सराबोर दृश्यों के साथ एक उच्च बजट वाली फिल्म लगती है। टीजर की शुरुआत एक व्यक्ति के वॉइस ओवर से होती है, जिसमें वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। फिर एक चिल्लाने की आवाज आती है, ऋषि भागो। टीजर के अंत में आदित्य एक पंचलाइन देते हैं, खून की आखिरी बूंद तक मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। चॉपर क्रैश, आग और लगातार धमाकों से फिल्म का धमाकेदार नॉनस्टॉप एक्शन, आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजना द्वारा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीजर साझा करने के बाद फिल्म के लुक और फील के लिए उनके कमेंट सेक्शन में सराहना की गई। ऐसा लग रहा है कि फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड है। आदित्य रॉय कपूर आखिरी बार अनुराग बसु की फिल्म लूडो में नजर आए थे। वहां एक मिनी टीवी सीरीज और तमिल फिल्म थड़प के हिंदी रिमेक में भी दिखाई देंगे। दूसरी ओर संजना की कुछ और फिल्में पाइपलाइन में हैं। जी स्टूडियोज, अहमद खान, शायरा खान द्वारा निर्मित और कपिल वर्मा द्वारा निर्देशित ओम द बैटल विद इन 1 जुलाई 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है। अक्षत आर सलूजा और निकेत पांडे ने कहानी और पटकथा लिखी है। मालिनी मिश्रा प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम कर रही हैं। फिल्म में संवाद कमलेश परूरा द्वारा लिखे गए हैं और सुनीता पी त्रिपाठी कार्यकारी द्वारा निर्मित है। यह जी स्टूडियोज, अहमद खान और शरद खान द्वारा समर्थित है। टेक्निकल क्रू में विनीत मल्होत्रा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफर है। एडिटिंग कमलेश पारूल ने की है और संगीत तनिष्क बागची ने दिया है। आज यहीं पे आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट में जरूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह फिल्मी जगत की रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद और जय भारत।